डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति, चुनाव में बहुमत हासिल किया, कमला हैरिस हारी। जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका वासियों को जताया आभार, कहा मेरी जीत हर अमेरिकी की जीत, अगले 4 साल अमेरिका के लिए स्वर्णिम। अंतिम वक्त तक कांटे का मुकाबला बना रहा, अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव फ्लोरिडा में, बड़ी स्क्रीन पर नजरें टिकाए रहे लोग। राष्ट्रपति चुनाव में प्रचंड जीत के बाद दुनिया के देशों को बधाई संदेश, प्रधानमंत्री मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी, लिखा ऐतिहासिक जीत पर दोस्त को बधाई। अमेरिकी चुनाव परिणाम पर भारतीय शेयर बाजार ने किया स्वागत, 716 अंकों की उछाल के साथ सेंसेक्स 80,000 के पार। जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र आज भी हंगामेदार, विशेष दर्जा वापस दिलाने की मांग वाले प्रस्ताव को लेकर बीजेपी विधायकों का हंगामा, विधानसभा में लगाए जय श्री राम के नारे, हंगामे के बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, विशेष राज्य का दर्जा वापस देने के प्रस्ताव के विरोध में हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूके पुतले। महाराष्ट्र में मतदान से पहले बीजेपी ने बागी नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, 40 बागी नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया, बोलने के बाद भी नेताओं ने नहीं वापस ली थी उम्मीदवारी। बीजेपी माहिम से लड़ रहे राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को विधानसभा चुनाव में नहीं देगी समर्थन, महाराष्ट्र बीजेपी नेता आशीष शेलार ने तस्वीर साफ की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति ने 10 वादों का किया ऐलान, लाडली बहन योजना की राशि बढ़ाकर 2,100 की गई, किसानों का कर्ज माफ होगा, 10 लाख छात्रों को मिलेगा 10,000 प्रशिक्षण भत्ता। झारखंड के लिए जेएमएम कांग्रेस गठबंधन ने किया 7 चुनावी गारंटी का ऐलान, यूसीसी के कट में सरना धर्म कोड, 10 लाख सरकारी नौकरी और महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा। अकबरुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र में दिया फिर से भड़काऊ बयान, 15 मिनट का किया जिक्र, कहा कैंपेनिंग के लिए 10 बजे तक का वक्त है, अभी 15 मिनट बाकी है। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर अकबरुद्दीन अवैसी बोले, मोदी योगी के आने के बाद अब अकबर आने वाला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं को लेकर कांग्रेस और जेएमएम नेताओं के विवादित बयानों की निंदा की, कहा कांग्रेस के नेता महिलाओं के प्रति हमेशा गलत सोच रखते हैं। राजस्थान के दौसा विधानसभा उपचुनाव के लिए 85 साल से ज्यादा उम्र वाले मतदाताओं का घर से मतदान, चुनाव आयोग की टीम घर जाकर कराएगी वोटिंग, दिव्यांग भी घर से करेंगे मतदान। अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा पहुंचकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने की बड़ी जीत दिलाने की, लोगों को धन्यवाद दिया, कहा हर हाल में अपेक्षाओं को पूरा करूंगा। पंजाब के मोगा में किसानों ने डीएपी खाद से भरी मालगाड़ी को रोककर प्रदर्शन किया, दूसरे जिले में ले जाई जा रही डीएपी खाद के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, मुठभेड़ के दौरान मारा गया एक आतंकवादी, लोलाब इलाके में जंगल में एनकाउंटर हुआ, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मुठभेड़, सुरक्षाकर्मियों के साथ आतंकियों की मुठभेड़, एक आतंकवादी मारा गया, 2 सुरक्षाकर्मी घायल। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बयान, पिछले 4 साल में मैं एक ही बात कह रहा हूं, बेगुनाह को छोड़ो मत, छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत, आतंक का रास्ता चुनने वालों के साथ कोई समझौता नहीं। संयुक्त राष्ट्र में कांग्रेस सांसद और भारतीय डेलीगेशन के प्रतिनिधि राजीव शुक्ला ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, कहा पाकिस्तानी डेलीगेशन को झूठ फैलाने और फूट डालने की पुरानी आदत, जम्मू कश्मीर की जनता ने वोट की ताकत से जवाब दिया। झारखंड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, अवैध माइनिंग केस में झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में सीबीआई टीम ने मारा छापा, सीएम हेमंत सोरेन के करीबी रहे पंकज मिश्रा का भी नाम शामिल। यूपी समेत 8 राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति का मामला, नियुक्ति के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। केमिकल के छिड़काव के बाद भी यमुना में जहरीला झाग बरकरार, यमुना की ड्रोन तस्वीरें सामने आई, छठ करने वाले लोगों की बढ़ी चिंता। दिल्ली में हवा की सेहत बेहद खराब, दिल्ली में एक्यूआई मापने वाले 39 स्टेशन में 36 स्टेशन पर एक्यूआई 300 के पार, बवाना, मुंडका और वजीरपुर जैसे इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। मुंबई की हवा में प्रदूषण, बांद्रा कुर्ला इलाके में प्रदूषण से लोगों को मुश्किलें, शहर में छाई सफेद धुंध। हल्के वाहन चालकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 7,500 किलोग्राम वजन तक के वाहन चलाने की मिली अनुमति, एससी ने कहा अथॉरिटी लाइसेंस देते वक्त नियमों का करें पालन। यूपी के मुरादाबाद में एसपी सांसद रुचि वीरा के करीबी अब्दुल गनी की दबंग गई, जमीन कब्जा करने के लिए मारपीट और फायरिंग करने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस।
राजस्थान के बांसवाड़ा में 12वीं के ओपन बोर्ड परीक्षा में डमी कैंडिडेट को किया गया गिरफ्तार, साथ में दलाल भी गिरफ्तार। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी।